18 ध्यान देने योग्य जरूरी बातें कीमती समय निकालकर जरूर सुने। एक, जब सूरज आसमान में चमक रहा होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे अच्छी तरह काम करता है। सूर्यास्त के बाद भोजन को पचाना काफ़ी कठिन होता है। रात के समय हमारा डाइजेशन कम हो जाता है जिससे डाइजेस्टिव क्रिया सुस्त हो जाती है, इसलिए आयुर्वेद सूर्यास्त से पहले खाने की सलाह देता है। दो, अश्वगंधा को आयुर्वेद में रसायन या एक शक्तिशाली कायाकल्प के रूप में जाना जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यून सिस्टम में सुधार करता है और त्वचा और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को प्रभावी ढंग से साफ करके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है। ये शरीर की इम्यून सिस्टम और बुढ़ापा रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। तीन, प्रोटीन से भरपूर और सस्ते फूड की बात की जाए तो सोयाबीन का नाम जरूर लेते हैं। सोयाबीन खाने में ना केवल आपको प्रोटीन देता है बल्कि इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चार, अगर कभी अचानक से बुखार आ जाए तो मेथी का पानी पी लें, इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। पाँच, कभी भी बाथरूम का गेट घर में खुला नहीं रखना चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी आती है और ये घर के लिए सही नहीं रहता। छः, जले हुए स्थान पर बर्फ लगा कर रखें, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जलन कम होती है, जलने पर क्या करें, बर्फ लगाने से फफोले पड़ने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद सभी के घरों में एंटीसेप्टिक के रूप में हल्दी को उस स्थान पर लेप बनाकर लगाना चाहिए, ऐसा करने से फफोले नहीं होते हैं। सात, गर्म ताज़ा पका हुआ भोजन करें, अपने भोजन को माइक्रोवेव ना करें, डिब्बा बंद और फ्रोजन जैसे प्रोसेस फूड से बचें। आठ, फिटकरी के ऊपर अंडे की सफ़ेदी लगाकर चेहरे पर रगड़ने से चेहरे की झुर्रियाँ दाग धब्बे सब खत्म हो जाते हैं। नौ, यदि बच्चा दूध पीने में आनाकानी कर रहा है तो उसके ऊपर से दूध को उसार कर कुत्ते को पिला दे, इससे बच्चा दूध पीने लग जाएगा। दस, घर में सुबह और शाम को कपूर जलाएं और सुगंधित वातावरण बनाकर रखें, इससे घर में सकारात्मकता आती है। नंबर 11, डायबिटीज़ के मरीज रोजाना सुबह 2 से 3 तुलसी की पत्तियां चबा कर खाएं, इससे उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। नंबर 12, अपने आहार में ताज़ा लहसुन शामिल करें क्योंकि इसमें संक्रमण से लड़ने के लिए रोगाणुरोधी गुण होते हैं। अगर आपको लहसुन का स्वाद पसंद नहीं है तो आप लहसुन की खुराक भी ले सकते हैं। नंबर 13, तुलसी के 5 पत्ते और नीम के 2 पत्ते रोजाना लेने से उच्च रक्तचाप में बहुत फायदा मिलता है। नंबर 14, बेसन में दूध मिलाकर एक पेस्ट बनाएं, अब इस पेस्ट से अपने बालों को धोएं, इससे कुछ दिनों में ही बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। नंबर 15, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में किसी भी तरह से सीमित मात्रा में दालचीनी को शामिल जरूर करें। दालचीनी शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज कर जिद्दी पेट की चर्बी को कम करने में बहुत ही मददगार है। नंबर 16, जीरा को अच्छी नींद के लिए फ़ायदेमंद बताया गया है। इसके लिए 1 चम्मच जीरे को भूनकर पीस लें और 1 ग्लास गर्म पानी में मिलाकर 5 मिनट के लिए रख दें, इससे रोजाना सोने से पहले पिए, इससे अनिद्रा में लाभ मिलता है। 17, दांत को हेल्दी और मजबूत बनाने के लिए आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल दांत से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं में फ़ायदेमंद है। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करने से दांत मजबूत होते हैं और दांतों से जुड़ी तमाम समस्या में फ़ायदा मिलता है। दांतों और मसूड़ों से खून निकलने की समस्या में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। रोजाना तुलसी के कुछ पत्ते चबाने से भी दांतों को फायदा मिलता है। नंबर 18, सर्दियों में कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आप दूध और घी का सेवन कर सकते हैं। घी को नेचुरल
लैक्सेटिव माना जाता है, जिससे पेट आसानी से साफ हो जाता है। आप रोज रात को सोने से पहले एक ग्लास गर्म पानी में एक चम्मच देसी घी मिलाकर पिएं। इससे आपको कब्ज की समस्या से जल्द आराम मिलेगा। हमारी ये वीडियो सामान्य जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपके कोई भी बीमारी है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, फिर ये नियम अपनाएं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।